नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया नगर में पिछले दिन हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शन की शुरुआत के कारणों का पता लगाना शुरू कर दिया है। पुलिस जांच के लिए खुफिया एजेंसियों से भी मदद ले रही है। दिल्ली पुलिस ने इसके पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर उंगली उठाई है, जिसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला, जामिया, बटला हाउस इलाके में से किसी एक जगह मौजूद है। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि इसके पीछे एक वजह है, जिसका खुलासा उचित समय आने पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जामिया नगर और लखनऊ के नवादा में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद जब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम खुलकर सामने आया है, उसके तमाम विश्वास पात्रों को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि कई को गिरफ्तार किया गया है। तब से इस फ्रंट के हजारों कर्ता धर्ता भूमिगत हो गए हैं। हालांकि सरकार को कार्यवाही करने के लिए अंतिम रिपोर्ट का इंतजार था। अधिकारी के मुताबिक यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली में इसलिए किया गया क्योंकि कार्यकर्ता जानते थे कि मीडिया में आने की वजह से यह अधिक लोगों की नजरों में आएगा, जिससे इसे फैलने में मदद मिलेगी। उनके मुताबिक जामिया नगर में फसाद शुरू होने से दो दिन पहले इस इलाके में करीब 150 से ज्यादा युवा दिल्ली की सीमा रेखा के बाहर आकर छिप चुके थे। ये वो युवक थे जिन्होंने पथराव शुरू किया और बसों को आग लगा दी। खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि वो पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर चुके हैं और सही समय पर कार्यवाही करेंगे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।